इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस अंडर कंपनीज एक्ट, ये जो डेफिनेशन है सेक्शन टू में दिए हुए, ठीक है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन टू में, कंपनीज एक्ट 2013 ये है। तो हम सुनाते जा रहे हैं और जहां जरूरत होगी उसको एक्सप्लेन करेंगे। सेक्शन टू क्लॉज वन में एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस मीन्स अ मेमोरेंडम कंटेनिंग सच सैलेंट फीचर्स ऑफ ए प्रोस्पेक्टस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बाय मेकिंग रेगुलेशंस इन दिस बिहार। क्लॉज टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मीन्स द स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग और एनी अडेंडम देयर टू फॉर कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज रेफर टू इन सेक्शन 133। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नोट कर लीजिए, थोड़ा काम आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये है सेक्शन टू क्लॉज टू, मतलब टू और फिर ब्रैकेट में टू, बस जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको उसी पर ज्यादा डिस्कस किया जाएगा, नहीं तो बाकी आगे बढ़ते जाएंगे, सुनते जाइए। अगला है क्लॉज थ्री में, अल्टर और अल्टरेशन इंक्लूड्स मेकिंग ऑफ एडिशंस ओमिशंस एंड सब्स्टिट्यूशंस। क्लॉज फोर अपेलेट ट्रिब्यूनल, अपेलेट ट्रिब्यूनल मीन्स द नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 410। इसका भी नाम लिख लीजिए, ये बहुत यूज होता है, एडवांस लेवल की चीज है वैसे। एनसीएलएटी भी लिख सकते हैं, एनसीएलएटी आप भी लिखिए प्रभु, एनसीएलएटी अंडर सेक्शन 410। तो एनसीएलएटी का फुल फॉर्म बाद में समझ लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल। ये पूरी लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में ही लिख दीजिए, ऐसे ध्यान रहेगा। फिर क्लॉज फाइव में आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मीन्स द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम और अप्लाइड इन परस्यूएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ ऑफ दिस एक्ट। तो आर्टिकल जो होता है वो उसका पूरा नाम है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और एक होता है मेमोरेंडम। तो आर्टिकल्स के बारे में यही है कि आर्टिकल्स का मतलब होगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज अल्टर्ड। उसके बाद क्लॉज सिक्स में एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी को किसको बोलते हैं, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। मतलब जो दूसरी कंपनी का अगर इन्फ्लुएंस है, जैसे आपकी आपके ऊपर मान लीजिए कि किसी दूसरे का इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, कोई मान लीजिए कि इस्कॉन के एक स्वामी जी हैं उनका आप पर बड़ा प्रभाव है, या कोई गुरु जी हैं उनका आपके ऊपर बड़ा प्रभाव रहता है, तो वो जो गुरु जी हैं वो आपके एसोसिएट कंपनी कहलाएंगे, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं। लेकिन वो जो दूसरे जो मतलब जो गुरु जी हैं ना वो क्या नहीं होने चाहिए, विच इज नॉट ए सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स अ ज्वाइंट वेंचर कंपनी। तो वो जो गुरु जी हैं वो आपके एक तरह से परिवार के सदस्य नहीं होने चाहिए, इसमें यही समझ लेते हैं, विच इज नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द कंपनी है। और मतलब आप जो हैं आप गुरु जी के परिवार का सदस्य का नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी गुरु जी का प्रभाव है आपके ऊपर, उनके परिवार के रहते तब तो प्रभाव वैसे ही रहता। तो फिर से इसको क्लियर करते हैं, एसोसिएट कंपनी किसे कहते हैं, तो एसोसिएट कंपनी किसी एक कंपनी के संदर्भ में होता है। मान लीजिए एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, और दूसरी कंपनी है बी लिमिटेड। तो अगर बी लिमिटेड का प्रभाव ए लिमिटेड पर है और साथ में जो ए लिमिटेड है वो बी लिमिटेड की सब्सिडियरी भी नहीं है, तो फिर कहेंगे कि बी लिमिटेड जो है वो ए लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी है। तो एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, नहीं फिर ये कहेंगे कि ए लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी है। इसको ये बड़ी आराम से एक बार और बोलते हैं, एक कंपनी है ए लिमिटेड, दूसरी कंपनी है बी लिमिटेड, ठीक है,
अब बी लिमिटेड का असर ए लिमिटेड पर है, बी लिमिटेड का असर है, जरूरी नहीं कि ए लिमिटेड का भी असर, लेकिन बी लिमिटेड का प्रभाव है इसके ऊपर, और ए लिमिटेड बी लिमिटेड की सब्सिडियरी भी नहीं है। तो फिर क्या मतलब निकालेंगे कि इसका मतलब यह हुआ कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी हो गई। अब इसको दूसरे एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये राजेश जी है, अब राजेश और एक स्वामी है उधर, स्वामी मुक्तानंद, ठीक है। तो राजेश जी के ऊपर मुक्तानंद जी का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, उनसे ये बड़ी प्रभावित रहते हैं, जहां देखते हैं हाथ पैर दंडवत हो जाते हैं, मतलब उनके चमक में एकदम चौंधिया जाते हैं कि भाई ये बहुत बड़े हैं, तो उनका प्रभाव है। और दूसरी बात क्या है कि राजेश जी उस स्वामी मुक्तानंद जी के घर के सदस्य वदस्य कुछ नहीं है, मतलब सब देरी नहीं है, ठीक है, समझी न ये। तो अगर ये दोनों बातें हों कि एक तो मुक्तानंद का राजेश के ऊपर बड़ा गहरा असर है, और दूसरी बात क्या है कि राजेश जो है वो मुक्तानंद जी के फैमिली मेंबर के नहीं है, फैमिली के मेंबर नहीं है, तो अगर ये दोनों बातें हो तो हम लोग ये समझेंगे कि जो राजेश हैं वो मुक्तानंद के एसोसिएट कंपनी है, राजेश है मुक्तानंद के, हाँ, ये नहीं कि वो भी एसोसिएट हो, वो जरूरी नहीं है, लेकिन ये एसोसिएट कहलाएंगे जरूर, ठीक है। तो एसोसिएट कंपनी के लिए दो बातें जरूरी है, लेकिन ये कहलाएंगे एसोसिएट, वो नहीं भी कहला सकते, क्योंकि हो सकता है उनके ऊपर इनका कोई असर नहीं हो, वो तो इनको जानते भी नहीं हो। ये भी हो सकता है कि वो उनको पता ही नहीं है कि ये हमारे प्रति इनकी क्या भावना है, वो बेचारे अपने में घूमते रहते हैं, ये अपना जहां देखते हैं वहीं जमीन में छूने लगते हैं, वो तो चले गए। तो एसोसिएट कंपनी का मतलब इसलिए क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होता है ये टर्म, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी। तो इन रिलेशन टू अनदर, तो एसोसिएट यहां ए लिमिटेड है, और ये किसके लिए, किसकी एसोसिएट है, बी लिमिटेड के लिए, तब होगी जब दो बातें पूरी हों। क्या क्या दो बातें हैं? तो आपस में कोई रिलेशन नहीं हो, जो जब बी लिमिटेड का असर हो ए लिमिटेड पर, एक तो पहली बात ये थी, और दूसरी बात ये थी कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड की सब्सिडियरी भी नहीं है। इसको सिंपल को मैं बहुत बार से बोल देता हूं ना, अलग अलग तरीके और लगता है कॉम्प्लिकेट हो जाता है, नहीं तो बड़ी सिंपल बात है, मैंने इसलिए उदाहरण भी दिया इनका। ए लिमिटेड बी लिमिटेड की एसोसिएट कब कहलाएगी, अगर ये कोई क्वेश्चन पूछे कि इन विच केस ए लिमिटेड विल बी कॉल्ड एसोसिएट कंपनी ऑफ बी लिमिटेड, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा कि ए लिमिटेड विल बी कॉल्ड एसोसिएट कंपनी ऑफ बी लिमिटेड इफ बी लिमिटेड हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन ए लिमिटेड एंड ए लिमिटेड इज नॉट ए सब्सिडियरी ऑफ बी लिमिटेड। इफ बोथ दिस कंडीशन आर फुलफिल्ड देन ओनली ए लिमिटेड विल बी कॉल्ड एसोसिएट कंपनी ऑफ बी लिमिटेड, ठीक है। और ज्वाइंट वेंचर में अगर है तब तो वो कहलाते हैं एसोसिएट, मान लो ए लिमिटेड अलग है बी लिमिटेड अलग है, कोई प्रभाव प्रभाव की बात नहीं, लेकिन दोनों मिलकर ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं तब तो दोनों एसोसिएट हो ही गए। मान लो कि ये अलग वो अलग हैं, राजेश हैं और एक महेश है, दोनों एक ही गाड़ी में बैठ कर जा रहे, तो हो गए एसोसिएट वैसे भी। तो ज्वाइंट वेंचर में तो एसोसिएट होते ही होते हैं, लेकिन बिना ज्वाइंट वेंचर किए भी एसोसिएट हो सकते हैं। देखते ना कोई गाड़ी में अपने गुरु जी का फोटो टांग लेकर जाते, गुरु जी तो कहाँ है गाड़ी में, ये अकेले है, लेकिन उनके मन में गुरु जी है, उनके फोटो है, तो इसके हम लोग गुरु जी का असर है उनके ऊपर। हाँ, सही कह रहे हैं। और ये जो जा रहे हैं गाड़ी लेकर गुरु जी का फोटो चिपका को, गुरु जी के फैमिली मेंबर भी नहीं है, तो माना जाएगा कि प्रभावित है भाई ये तो बहुत, इसका मतलब ये गुरु जी से जरूर जुड़ा हुआ है। कोई बोलेगा जरूर कितने ना कितने साई बाबा का वो झोंटे वाले का फोटो कितने, तो इसका मतलब जरूर जुड़ा हुआ, जरूर जाता होगा, ये सीडी वो लगा रखा है इसने, सब वो भी पहन रखा है,
तो कोई मतलब ही नहीं इसको, कोई इसको इस्कॉन जैसे पहले चुटकी फुटकी रखे और तिलक वलक लाल तो बोले जरूर जुड़ा हुआ है, भले इस्कॉन इसके साथ जुड़ा है वो तो पता नहीं, ये जरूर जुड़ा है इस्कॉन के साथ वो तो जो भी है बोला यही हमें बोले ये जरूर जुड़ा हुआ है इस्कॉन। इसे ब्रह्म कुमारी का देखते हैं सफेद सफेद बन के घूम रही है लोग अलग, तो बोला ये जरूर उससे जुड़ा हुआ है। तो एसोसिएट कंपनी का मतलब यही होता है, एसोसिएट ए कंपनी विल बी एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी इफ दैट अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर दिस कंपनी एंड दिस कंपनी इज ऑल्सो नॉट ए सब्सिडियरी ऑफ दैट अदर कंपनी एंड इट इंक्लूड्स ज्वाइंट वेंचर। मतलब ज्वाइंट वेंचर इज ऑलवेज इफ दो बोथ टू कंपनीज और मोर देन टू कंपनीज आर डूइंग एनीथिंग इन ज्वाइंट वेंचर देन दे विल बी कॉल्ड एसोसिएट कंपनी, बट इवन विदाउट एंटरिंग इन टू ज्वाइंट वेंचर वन कंपनी कैन बी ट्रीटेड एज एसोसिएट कंपनी ऑफ अनदर कंपनी इफ दैट अनदर कंपनी। ये बहुत ध्यान देने की बात है, दूसरी वाले का प्रभाव इसके ऊपर है और ये दूसरी वाले का सब्जेरी भी नहीं है। तो अब जो है इस एसोसिएट से आगे निकलते हैं। अच्छा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है क्या है ये बतलाया हुआ है एक्सप्लेनेशन में। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और कंट्रोल और कंट्रोल ऑफ और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का दो तरह से हम निकाल सकते हैं कि असर है, दोनों में से कोई भी पूरा हो या दोनों तब मानेंगे कि असर है। ऐसा नहीं कि खाली कोई इसने माला टांग लिया बोलेंगे साईं बाबा का असर, ये भी जरूरी नहीं, वो कितना तो ऐसे भी टांग लेते हैं। तो यहां पर सिग्निफिकेंट मतलब कि एक सिग्निफिकेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे कि अच्छा खासा असर प्रभाव, मतलब सिग्निफिकेंट का अच्छा वर्ड और होता होगा, मतलब लगे कि ये सचमुच असर है। तो उसके लिए जरूरी है कि दूसरी वाली जो कंपनी है मतलब बी लिमिटेड, वो कम से कम 20% वोटिंग पावर को कंट्रोल कर रही है, नहीं तो नहीं मानेंगे, फिर बोलेंगे तो नाम क्या सिग्निफिकेंट। 20% वोटिंग पावर को अगर कंट्रोल कर रही है ए लिमिटेड में, बी लिमिटेड कंट्रोल कौन कर रही है, बी लिमिटेड किस कंपनी को, ए लिमिटेड को, उसके 20% वोटिंग पावर में उसकी दखलंदाजी है, कम से कम 20%, ठीक है, मींस कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, या तो 20% वोटिंग पावर को कंट्रोल कर रही है और कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजंस अंडर एन एग्रीमेंट, या तो बिजनेस के लिए जो डिसीजन लेती है ए लिमिटेड उसको कंट्रोल करती है कौन, बी लिमिटेड, या उस डिसीजन में वो भी भाग पार्टिसिपेट करती है और दोनों में एग्रीमेंट हो रखा है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड में एग्रीमेंट है जिसके अंतर्गत ये लिखा हुआ कि ए लिमिटेड कोई भी बिजनेस डिसीजन लेगा तो बी लिमिटेड से पूछेगा। तो मतलब कंट्रोल करने का मतलब ये होना कि बिना उसके नहीं ये डिसीजन ले सकता है। तो अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट हो रखा है कि ए लिमिटेड पूछेगा बी लिमिटेड से, मतलब कंट्रोल कौन कर रहा है यहां पर, बी लिमिटेड कर रहा है, या तो कंट्रोल करे या पार्टिसिपेट करे कि बिना उसके भागीदारी के कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। अब जैसे कि इनकी शादी हो रही है मान लीजिए होगी, तो उस शादी के डिसीजन को अगर इनके पिताजी कंट्रोल करें, या चलिए पिताजी तो खैर फैमिली होगी, वही स्वामी जी वो मुक्तानंद वो कंट्रोल करें कि भाई तुमको मुझसे पूछकर ही डिसीजन लेना है, ऐसे नहीं कि कहाँ करना है कब करना है मैं बतलाऊंगा, एक तो ये हो सकता है, या तो वो कंट्रोल करें या उसके डिसीजन में वो स्वामी जी भी शामिल हो जाए कि भाई मिलजुल कर लोग डिसीजन करते हैं, तो फिर माना जाएगा कि उनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के दो क्राइटेरिया हो रहे हैं, एक तो वोटिंग पावर के कम से कम 20% को अगर दूसरी कंपनी कंट्रोल कर रही है, पहली कंपनी में के वोटिंग पावर में 20% या उससे अधिक कंट्रोल दूसरी वाली कर रही, मतलब ए लिमिटेड के टोटल वोटिंग पावर को बी लिमिटेड कंट्रोल करे कम से कम 20%, 20 करे 21 करे मतलब 20 या उससे ज्यादा, तो मानेंगे कि बी लिमिटेड का है
इसके ऊपर इन्फ्लुएंस है, और या तो ऐसे या कोई बिजनेस डिसीजन, ये लिमिटेड का कोई बिजनेस डिसीजन है उसमें बी लिमिटेड कंट्रोल कर रही है उसको, या बी लिमिटेड उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, तो मानेंगे कि बी लिमिटेड का जोरदार असर है ए लिमिटेड पर। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, मतलब कि ये तो ठीक है, आप लोग क्लियर है ना, ये कहां गई, ये तो बात सही लिख रहे। और ज्वाइंट वेंचर मीन्स अ ज्वाइंट अरेंजमेंट वेयर बाई द पार्टीज दैट हैव ज्वाइंट कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट हैव राइट टू द एसेट्स ऑफ द अरेंजमेंट। तो ज्वाइंट वेंचर का मतलब भी समझ लेना चाहिए कि ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आप लोग दोनों मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर कर रही है कि मिलकर ये काम करेंगे, ठीक है, मिलकर हम लोग बिल्डिंग बनाएंगे या मिलजुल कर मेले में पकौड़े तलेंगे, जो कुछ भी काम कर सकते हैं मिलजुल कर आपस में। तो कब कहेंगे कि आप लोग है ज्वाइंट वेंचर, ऐसे तो हम लोग देखते रहते हैं कि ये पकौड़े तल रहा है, वो तीन चार आदमी है, कोई कस्टमर को देता है, कोई पैसा भी रखता है, कोई तलता है सचमुच का, कोई पैकिंग भी करता है, दो पकौड़े का दुकान पर भी दो तीन लोग मिल जाएंगे, तो क्या हम लोग कह सकते हैं ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं? वो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन रहते तो हैं साथ में, लेकिन केवल साथ में रहना जरूरी नहीं है। ये इसका टेस्ट क्या है कि ये लोग हैं क्या है? ये लोग ज्वाइंट वेंचर ऐसा तो ये बोलते थे मिलजुल के ये लोग पकौड़े का काम कर रहे हैं, लेकिन ज्वाइंट वेंचर वाला ये लोग है क्या? उसके लिए लक्षण ये है कि अगर ज्वाइंट अरेंजमेंट उनमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो रखा है वेयर बाई द पार्टी दैट हैव ज्वाइंट कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट हैव राइट टू द नेट एसेट्स ऑफ द अरेंजमेंट। जैसे कि मान लो अगर चार लोग हैं पकौड़े के दुकान पर, उनमें ऐसा कोई एग्रीमेंट है कि जब ये दुकान बंद होगी तो जो एसेट बचेगा ना उसमें हम लोग का राइट रहेगा, तो तब मानेंगे कि हाँ ये लोग कर रहे हैं ज्वाइंट में। पता चले कि वो तो कल एक ही आदमी का कराई और वो चनौते और वो सब एक ही करे, तो बाकी का कोई राइट नहीं, बोले तुम तो भाई पैसा लो और जाओ अपना, तुमको तो ऐसे रखे थे कि कस्टमर को पकौड़े पैकेट में करके देना या तलना बैठ कर, ये थोड़ी कि तुमको हम कराही ही दे देंगे, कराही वराही सब मेरा है। तो जब जब तक उस नेट एसेट में राइट नहीं हो ना, हाँ तब तब तक नहीं मानेंगे उसको। एक तो उनमें ज्वाइंट अरेंजमेंट होना चाहिए सबसे पहले, और उस अरेंजमेंट में ये बात होनी चाहिए कि कौन कौन पार्टी है और उनका जो नेट एसेट में उनका रहेगा, मतलब राइट रहेगा। पार्टीज दैट हैव ज्वाइंट कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट हैव राइट टू द नेट एसेट्स ऑफ द अरेंजमेंट। एक तो ज्वाइंट कंट्रोल जरूरी है, अब ज्वाइंट वेंचर के लिए ज्वाइंट कंट्रोल और जो नेट एसेट बचे उसमें राइट, मतलब ज्वाइंट वेंचर का जो नेट एसेट बचे उसमें राइट भी होना चाहिए। ये दोनों बात जब हो तब बोलेंगे कि हाँ ज्वाइंट वेंचर हो रहा है, नहीं तो खाली कंट्रोल ही काफी नहीं है। मान लो चार लोग मिल गए, बोले ठीक है हम लोग जो पकौड़े वाला काम है, ए बी सी तीन मिल गए, ए ने बोला कि देखो भाई तुम पकौड़े पर कंट्रोल रखना, तुम कस्टमर पर कंट्रोल रखना, मैं पैसे पर कंट्रोल रखूंगा, सबका कंट्रोल तो हो ही रहा है। लेकिन अगर अरेंजमेंट ऐसा लिखा कि जब ये टूटेगा दुकान, जब जाएंगे यहां से, तो केवल ए और बी का ही रहेगा उस पर राइट, सी का नहीं रहेगा, तो इसका मतलब बोलेंगे सी ज्वाइंट वेंचर में नहीं है, भले खाली कंट्रोल कर रहा है, मालिक बना दिया फ्री का, वो भी खुश रहेगा कि मैं भी कुछ कर रहा हूं, लेकिन एसेट में उसको राइट ही नहीं है, तो उसको नहीं माने, बोलेंगे ये बिना अधिकार वाला मालिक, इसका कोई गिनती नहीं। कि नहीं, एक होता ना कि राइट भी रहेगा, तो इसीलिए तो लोग जुड़ते नहीं है, सब सोचते हैं कि यार मेरा तो ऐसे ही झुटमुट का कंट्रोल बना रखा है, मुझे काम करवा रहा है, जब बंटवारा होगा तो मुझे हिस्सा ही नहीं मिलेगा, तो मैं किस चीज का मालिक? तो इसलिए उसको मालिक नहीं माना जाता सचमुच में। मालिक के लिए दोनों बातें पूरी पूरी होनी चाहिए, तभी तो मानेंगे। क्या क्या दोनों बातें? हाँ, दोनों चीज, एक तो कंट्रोल करने की पावर उसमें हो, और दूसरी कोई एसेट में हिस्सेदारी भी हो, उसके अधिकार भी हो, नहीं तो कोई बना दे आपको कि पूरे बिल्डिंग पर आप साफ सफाई का कंट्रोल कीजिए,
और पता चला बिल्डिंग में हिस्सा ही नहीं, तो बोलेगा कि अब मैं किस चीज का मालिक हुआ। और खाली बोले हिस्सा रहेगा लेकिन कंट्रोल कुछ नहीं रहेगा, वो भी ठीक नहीं है। कंट्रोल भी हो, हिस्सा भी हो। हाँ, कंट्रोल भी हो और हिस्सा भी हो। कंट्रोल किस चीज पर? अपने पर नहीं, उस ज्वाइंट चीज पर। हाँ, नहीं तो ये नहीं कि बोलेगा अपने पर कंट्रोल रखिए, बोलेगा अपने का ज्वाइंट अरेंज, जो ज्वाइंट का जो बिजनेस कर रहे हैं ज्वाइंटली मिलजुल कर जो ये काम कर रहे हैं उसके ऊपर ज्वाइंट कंट्रोल, और नेट एसेट में राइट। यही तो कोई इंसान चाहता है कि भाई मुझे संपत्ति में हिस्सा मिले और कुछ पावर मिले कंट्रोल करने का, तो फिर उसी को कहेंगे ज्वाइंट वेंचर। तो ज्वाइंट वेंचर मींस, ज्वाइंट वेंचर का मतलब होता है कि दो ऐसा कोई मतलब जिसमें कि दो आदमी मींस ज्वाइंट अरेंजमेंट, ज्वाइंट अरेंजमेंट है वेयर बाय द पार्टी दैट हैव ज्वाइंट कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट हैव राइट टू द नेट एसेट्स ऑफ द अरेंजमेंट। तो ज्वाइंट अरेंजमेंट, ज्वाइंट वेंचर में अब मैं अकेले ही कुछ किया जा रहा हूं तो ज्वाइंट वेंचर तो हुआ ही नहीं। ज्वाइंट वेंचर का मतलब ही होता है कि ऐसा अरेंजमेंट जो ज्वाइंट हो जिसमें कम से कम एक से ज्यादा लोग हो इस अरेंजमेंट। मान लीजिए मैं बोला अकेले ही तो फिर तो बात ही खत्म। वो ज्वाइंट कहा, ज्वाइंट के लिए जरूरी है कि संख्या एक से ज्यादा होनी चाहिए। तो एक तो ज्वाइंट अरेंजमेंट हो। अब ज्वाइंट अरेंजमेंट का मतलब फिर क्या हुआ कि उसमें एक से ज्यादा आदमी है, ठीक है, उस अरेंजमेंट में। और जो भी उसमें आदमी है एक से ज्यादा उन सब का कंट्रोल होना चाहिए। कहाँ कंट्रोल होना चाहिए? जो भी अरेंजमेंट है उस पर ज्वाइंट कंट्रोल होना चाहिए। अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है। अरेंजमेंट का मतलब पकौड़े बेचना, अरेंजमेंट का मतलब कि कोई बिजनेस छोटा करना बड़ा करना, कुछ भी करना। अरेंजमेंट तो कुछ भी हो सकता है। तो एक ज्वाइंट अरेंजमेंट है और उस ज्वाइंट अरेंजमेंट में जितनी पार्टियां हैं उनका ज्वाइंट कंट्रोल है उस ज्वाइंट अरेंजमेंट के ऊपर, और साथ में जो नेट एसेट्स होगा उस ज्वाइंट अरेंजमेंट का उस पर राइट भी है। तो ज्वाइंट वेंचर किसे कहेंगे मौसमी? सबसे पहले क्या होना चाहिए ज्वाइंट वेंचर के लिए? पहली शर्त क्या है कि एक तो ज्वाइंट अरेंजमेंट होना चाहिए। मान लो ये है ज्वाइंट अरेंजमेंट, ठीक है, ये ज्वाइंट अरेंजमेंट है ये। और ज्वाइंट अरेंजमेंट अगर है तो इसका मतलब कि इसमें पार्टी भी एक से ज्यादा, मान लो हम और राजेश दो पार्टी इस ज्वाइंट अरेंजमेंट में, तो मेरा भी कंट्रोल है और इनका भी कंट्रोल है। और उसके बाद जब ये ज्वाइंट अरेंजमेंट खत्म होगा तो इनको कुछ एसेट पर राइट है, मेरा कुछ राइट है, तब हो गया ज्वाइंट वेंचर। अब आप बता सकते हैं, मैं तो 15 मिनट से ज्वाइंट ज्वाइंट कर रहा हूं, ज्वाइंट वेंचर किसे कहेंगे? ज्वाइंट वेंचर वो है जो मतलब जैसे कोई चीज हम करते हैं वो एक साथ करी जाए और उसके बाद हमारे पे उसका कंट्रोल हो और राइट भी साथ में हमारे। बहुत अच्छा। हाँ, तो वो ज्वाइंट वेंचर कहलाया जाता है। बिल्कुल, ये कोई ऐसा नहीं कि याद करने में, तो ऐसे ही एग्जाम्पल इधर उधर की बहुत देकर बोल रहा हूँ, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ कि ये फिर ऐसे परिभाषा है तो याद मत रहे, बात याद रहे। हाँ, कंट्रोल भी हो। हाँ, राइट भी हो। हाँ, इसी तरह वो जो इसके पहले जो था ना शब्द कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, हाँ, कि कम 20% कम से कम 20% वोटिंग पावर को कंट्रोल करता है, या कोई बिजनेस डिसीजन में वो कंट्रोल कर रहा है या हिस्सेदार है, ठीक है, उसको कहते तब मानेंगे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो ये दोनों जो शब्द हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और ज्वाइंट वेंचर निकले कहां से थे, किस बात से? एसोसिएट कंपनी के संदर्भ में। तो एसोसिएट कंपनी किसे कहते हैं? तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी कब कहलाएगी? जब ए लिमिटेड का बी लिमिटेड पे, मतलब उस बी लिमिटेड का ए पे मेरा इन्फ्लुएंस हो। हाँ, लेकिन ए को नहीं पता कि वो मतलब मेरे इन्फ्लुएंस में या होगा। हाँ, मतलब बी लिमिटेड का इन्फ्लुएंस ए पर है, और या तो इन्फ्लुएंस है और साथ में ए लिमिटेड वो बी लिमिटेड की सदस्यरी नहीं है। हाँ, वो ना उससे कोई रिलेशन है उसका, फिर भी लेकिन बी लिमिटेड उस पर इन्फ्लुएंस करके, मतलब हाँ बिल्कुल, ए लिमिटेड बड़ी प्रभावित है बी लिमिटेड से।
हालांकि उसके उसके ग्रुप उसके सब्जेरी भी नहीं है, सब्जेरी तो रहती है प्रभावित, सब्जेरी मतलब अपना बच्चा, तो हमारा बच्चा तो हमसे प्रभावित रहेगा ही, लेकिन मजा तब है जब दूसरे का बच्चा हमसे प्रभावित हो जाए। तो यही बोले कि वो जो जैसे मान लीजिए कि हमारे चार घर बाद का कोई बच्चा है, वो हमारा बच्चा तो है नहीं वो हमसे प्रभावित है और बहुत ज्यादा प्रभावित है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। प्रभावित का मतलब ऐसा नहीं कि कहीं मिल गया, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो मानेंगे कि वो एसोसिएट है, हम एसोसिएट नहीं है, वो एसोसिएट ठीक है। तो अब जो या तो ज्वाइंट वेंचर में रहता है वो तो रहते ही। अब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है क्लॉज 7 में, इसका सेक्शन है, वैसे तो इसमें डिफाइन किया गया 2 और क्लॉज 7 में। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स मींस स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग और एनी अडेंडम देयर टू फॉर कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 143। मतलब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के बारे में जो डिटेल है वो इसका लिख दीजिए, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड और डिटेल्स इन सेक्शन 143 सब सेक्शन 10। फिर ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल मीन्स सच कैपिटल एज इज ऑथराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ ए कंपनी टू बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल बड़ा कॉमन वर्ड है, इसको बारे में खाली ये समझिएगा, ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है, वैसा कैपिटल जो कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा हुआ है। कंपनी का होता है ना, एक तो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक आर्टिकल, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट चीज होते हैं कंपनी के लिए। तो मेमोरेंडम में लिखा गया कि यही ज्यादा से ज्यादा रह सकता है, तो उसी को बोलेंगे ऑथराइज कैपिटल। जैसे आपकी कंपनी का मेमोरेंडम है उसमें लिख रखा है कि ज्यादा से ज्यादा जो कैपिटल रहेगा वो रहेगा 10 लाख, तो आपके लिए आपकी कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 10 लाख हो गया। इनके कंपनी का जो मेमोरेंडम है तो उसमें लिखा हुआ है कि जो ज्यादा ज्यादा कैपिटल रहेगा वो रहेगा 5 लाख, तो इनके कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 5 लाख हो गया। अब ये है राजेश जी की भी कंपनी, उनके कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा जो कैपिटल रहेगा वो रहेगा 10 करोड़, तो इनके कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 10 करोड़ हो। तो जो भी मैक्सिमम जो मेमोरेंडम में लिखा हुआ, ये अलग से कोई एक्ट वैक्ट में नहीं रहता है, ऑथराइज कैपिटल जो उस कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम क्या रहेगा कैपिटल, उसी को बोलेंगे ऑथराइज कैपिटल। फिर अब बैंकिंग कंपनी मीन्स बैंकिंग, तो ऑथराइज कैपिटल वर्ड नोट कर लीजिए, प्रैक्टिकली जो काम में ज्यादा आता है ना उसके बारे में ठीक से पता होना चाहिए। फिर है बैंकिंग कंपनी मीन्स अ बैंकिंग कंपनी इज डिफाइंड इन क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 5 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड इन रिलेशन टू कंपनी मीन्स कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसे कहते हैं, एक एक को तो डायरेक्टर कहते हैं, और जब सारे डायरेक्टर को समूह बना सामूहिक रूप में कहते हैं बोर्ड, किस तरह लोग नहीं एक एक को स्टूडेंट कहते हैं सामूहिक रूप में क्लास कहते हैं, एक एक को प्लेयर कहते हैं नाम रख के, और जब सोवे तो बोलते हैं टीम बन जाती। तो इसी तरह जो डायरेक्टर होते हैं कंपनी के उनको सामूहिक संबोधन जब करना है तो उसे कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इट इज कलेक्टिवली डायरेक्टर्स कलेक्टिवली या कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, उसी को बोर्ड कहते हैं। बॉडी कॉरपोरेट, अब ये बॉडी कॉरपोरेट को बड़ा ध्यान से सुने क्योंकि ये बहुत जगह यूज होता है और इसमें क्लैरिटी आनी चाहिए। तो बॉडी कॉरपोरेट को डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 11, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 और क्लॉज 11 उसमें है बॉडी कॉरपोरेट। ये और भी दूसरे एक्ट में भी जब ये शब्द आता है ना बॉडी कॉरपोरेट, तो उसमें लिखा रहता है कि इसका वही मतलब होगा जो कंपनीज एक्ट में है, तो इसलिए इसका मतलब सही से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बॉडी कॉरपोरेट और कॉरपोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉरपोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड एनी अदर बॉडी कॉरपोरेट नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन दिस एक्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन दिस बिहाफ। विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में
by notification specify in this sphere. So body corporate or corporation includes a company incorporated outside India. तो अब यहां तो इतने लिख दिया है कि ये इसमें क्या इंक्लूड होते हैं कि बाहर की जो कंपनी है जो बाहर में इनकॉर्पोरेट हुई है, मान लो कोई कंपनी अमेरिका में बनी है तो भी आएगी बॉडी कॉर्पोरेट में, ये बोलना चाह रहा है। पहला लाइन में तो इतने ही दुर्बल है ना कि बॉडी कॉर्पोरेट में वो भी इंक्लूड होगी, बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन क्या इंक्लूड होगी, जो कंपनी बाहर बनी है वो भी इंक्लूड होगी। मान लो बाहर की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट लिमिट इनकॉर्पोरेटेड जो भी बोलते हैं वहां पर, तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट क्योंकि वो तो बाहर बनी है। या कोई भी कंपनी गूगल की जैसे है, उसकी कंपनी का नाम वैसे क्या है, गूगल वाले कंपनी का कुछ अलग नाम है, क्या नाम है जिस कंपनी के अंदर ये गूगल आता है उसका कुछ नाम है अलग, अल्फाबेट कुछ अलग नाम नहीं कुछ अलग नाम है जिसके अंतर्गत ये आती है। गूगल कोई कंपनी नहीं हो तो उसका यह है, हाँ लेकिन कंपनी कोई और है जो भी है। तो बॉडी कॉर्पोरेट में वो भी कंपनी आएगी जो बाहर में बनी है, और क्या क्या नहीं आएगी ये बतलाया है कि क्या क्या नहीं आएगी। एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आएगी, बट डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग ए कंपनी एज डिफाइंड इन दिस एक्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहार। तो एक तो बतला दिया है सीधे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आएगी। तो अब हम लोग कोई बोले क्या क्या आएगा ये बताइए कि बॉडी कॉर्पोरेट, तो इसका मतलब तो सीधा ये निकल रहा है डायरेक्ट कि एक बॉडी कॉर्पोरेट में आएगी जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है वो तो आएगी ही आएगी, दूसरी जो बाहर वाली रजिस्टर्ड है वो भी आएगी ही आएगी। और ऐसी कोई जैसे कि जिसका रजिस्ट्रेशन होता, अब इंडिया में कंपनीज एक्ट के अंतर्गत दो का रजिस्ट्रेशन होता है, एक तो कंपनी का तो होता ही है और एक है LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसका भी होता है कंपनीज एक्ट में। तो आमतौर पर बॉडी कॉर्पोरेट का यही मतलब निकाला था कि इसमें तीन चीजें आते हैं, एक तो कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट इन इंडिया, दूसरा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है, और तीसरा कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यही तीन चीज आते हैं और कुछ नहीं आता। तो ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आता है खासकर उसके लिए बोला गया इसीलिए, और मेनली ये तीन आते हैं, इंडियन कंपनी या इंडिया की LLP या कोई जो बाहर में बनी है, वो बाहर में जो कंपनी बनी है, ये लिखा हुआ है कि बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड इन एनी लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन दिस एक्ट। तो एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट Not being a company with the central government may by notification specify in this. तो इसमें देख तीन आते हैं, इंडियन कंपनी, LLP और बाहर वाली कंपनी। उसके बाद है, चलिए बुक्स ऑफ अकाउंट तक आकर फिर शांति बैठेंगे। फिर क्लॉज 12 में है बुक एंड पेपर एंड बुक और पेपर, इसमें क्या क्या आते हैं, बुक एंड पेपर बोलिए या बुक और पेपर इंक्लूड्स बुक्स ऑफ अकाउंट, तो ये लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बुक्स ऑफ अकाउंट। तो आगे से ना कोई बोले बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं या बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं या बुक ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं, तो सही इसका उच्चारण है बुक्स ऑफ अकाउंट। कितने कंफ्यूजन रहता है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं क्या, तो एक्ट में जो शब्द लिखा हुआ है, हाँ वो है बुक्स ऑफ अकाउंट, बस अकाउंट में एस नहीं है,
तो हम लोग यही कोशिश करने चाहिए कि सही शब्दों का उच्चारण करें जैसा इसमें है। तो बुक और पेपर में क्या क्या आते हैं ये भी जानना जरूरी है। कितने लोग बोलेंगे हम आपका बुक और पेपर मेंटेन कर देंगे, रख देंगे। तो कोई बोलेगा बुक और पेपर में तो बहुत कुछ आते हैं, आप क्या क्या रखिएगा, आप खाली मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट ही रख दीजिए तो बहुत कल्याण भला होगा आप हमारे। तो बुक और पेपर में क्या क्या आते हैं ये जानना बहुत आवश्यक है। इसके अंतर्गत आते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट आता है, ये तो लिखे दिए आप लोग। फिर डीड्स, ये भी लिखे डीड्स, बहुत तरह के डीड बनते हैं। पार्टनरशिप डीड तो बड़ा पॉपुलर है, लीज डीड होते हैं, तो किसी तरह का डीड जो है वो भी आते हैं डीड्स। फिर है वाउचर्स, सबका नाम लिखते जाइए वाउचर्स। उसके बाद है राइटिंग्स, फिर है डॉक्यूमेंट्स। तो बुक और पेपर में अभी तक क्या क्या है? नहीं, सबसे पहले तो बुक्स ऑफ अकाउंट आया, मेन चीज तो वो है। उसके बाद आया डीड्स, मतलब वो तो उदाहरण मैंने दिया, डीड्स डीड तो फिर 500 तरह के होंगे वो अलग बात। तो पहला आया बुक्स ऑफ अकाउंट, फिर कौन निकले डीड्स, उसके बाद उनके पीछे पीछे कौन है वाउचर्स, फिर डॉक्यूमेंट्स राइटिंग्स डॉक्यूमेंट्स मिनट्स एंड रजिस्टर्स, ये भी आते हैं। जैसे कि ये जितने रजिस्टर रखते हैं ये सब बुक और पेपर में सब के सब आएंगे। जो हम लोग लिख रहे हैं राइटिंग वो भी आएगा। तो क्या क्या आते हैं बुक्स और पेपर में? सबसे पहला और जो मेन है वो है बुक्स ऑफ अकाउंट, उसके बाद डीड्स, वाउचर्स हो गए, राइटिंग्स, डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स भी बहुत तरह के हो सकते हैं। फिर मिनट्स एंड रजिस्टर्स मेंटेन्ड ऑन पेपर और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो कहने का मतलब कि जितने आप, अब कपड़ा वपड़ा नहीं आएगा लेकिन इस टाइप की जो भी चीजें वो सब आती। अब हम लोग इससे भी जो सबसे जो हम लोगों के ज्यादा मतलब क्या है वो बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है, ये इसका क्लॉज है 2 और 13 में, मतलब सेक्शन 2 के क्लॉज 13 में है बुक्स ऑफ अकाउंट। कोई बोलेगा भाई आप अकाउंटेंट हैं, तो बोलेगा हम हैं अकाउंटेंट हैं। तो ये बोलेगा बताइए कि बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या आता है। तो कोई नहीं बतला पाएगा। अब मान लीजिए कोई बोले आप पंडित जी हैं, बोले हाँ पंडित जी, बोले बताइए हवन करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, तो नहीं बता पाते। बोले कोई बोलेगा कि आप कुछ नहीं पता है आपको, ऐसे ही घूमते हैं भेष बनाकर। तो अकाउंटेंट से पूछा जाए कि बताओ भाई बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या आता है। मान लीजिए अकाउंटेंट क्या हम गए इंटरव्यू देने कि भाई मैं तो अकाउंटेंट हूं मैं सब संभाल दूंगा, तो वो कोई उसे ही पूछ ले कि अच्छा बताइए कि बुक्स ऑफ अकाउंट का नाम सुने, बोलेगा हाँ बुक्स ऑफ अकाउंट सुने। फिर बोलेगा कहाँ डिफाइन किया गया है, किसका कुछ है परिभाषा कहीं, तो वो नहीं बोल पाएगा पहली बार में। तो कोई बोलेगा चलो परिभाषा उतना सेक्शन वेक्शन याद नहीं भी रहता प्रैक्टिकली उतना, लेकिन कोई बोले कि नहीं ये सेक्शन 2 के क्लॉज 13 में है, तो कोई बोलेगा इसको इसका मतलब आगे शायद नहीं पूछेगा वो। अब कोई नहीं बोलेगा तो बोलेगा ठीक है जाओ सेक्शन, लेकिन ये बताओ कि आता क्या क्या। लंबी सांस और उसके बाद शांति। तो अंदाज से मतलब मान ली गए तो कुछ तो कोई बोलेगा ना कि भाई कुछ तो बोलना पड़ेगा, वैसे तो आज चुप भी नहीं बोलता तुम्हें, तुम ही बोलो यदि इधर उधर ज्यादा सोच विचार करती। क्या क्या आता है बुक्स ऑफ अकाउंट में? नहीं डीड्स तो अलग हो गया, डीड्स तो अलग है वो अलग कहानी है। बुक्स ऑफ अकाउंट, फिर
राइटिंग वाउचर डी वो अलग अलग चीजें हैं ना, आप सबको डीड कहां से उसमें आ जाएगा, डीड तो कोई एग्रीमेंट किया आपने, पार्टनरशिप डीड किया वो डीड हो गया, वो बुक्स और पेपर में आते हैं। वो इसके पहले जो हम लोग बोले थे वो था बुक्स और पेपर या बुक्स एंड पेपर, उसमें तो सब कुछ आएगा, उसमें आप जो मेल किए वो भी आएगा एक तरह से बुक्स और पेपर में, जो लिखे वो भी आएगा, डीड भी आएंगे, वाउचर भी आएंगे, राइटिंग मतलब किसी भी तरह का, और बुक्स ऑफ अकाउंट भी आएगा। तो अब यहां पर कि बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या आते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर वन ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय अ कंपनी एंड मैटर्स इन रिलेशन टू विच द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस। मतलब जो भी आपके पास जो आ रहे हैं, जो पैसा जहां जहां से आ रहे हैं और जहां जहां जा रहे हैं, तो उन पैसे के आने और जाने से संबंधित जो भी रिकॉर्ड है एक तो वो आएगा। तो यहां पर ऐसे नाम नहीं लिखा है कि ट्रेड, वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगा जो बोल रही है। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स, मतलब मेनली रिकॉर्ड्स की बात है। अब रिकॉर्ड किस किस के बारे में, तो हाँ जो आया, जो पैसा आया और जो पैसा गया, और उससे संबंधित जो भी मैटर्स हैं, मैटर्स इन रिलेशन टू विच द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, और किस लिए आया किस लिए गया, तो उसका रिकॉर्ड, तो बुक्स ऑफ अकाउंट एक तरह से रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड होता है। अब किस चीज का रिकॉर्ड होता है ये जानना है, लेकिन बेसिकली ये एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना। बुक्स ऑफ अकाउंट होता है क्या है? अब कोई बोले कि भाई जो प्रवचन देता हो उसमें क्या, तो बोले बोले प्रवचन जो है देता है वो एक इंसान होता है बेसिकली, और ऐसा इंसान जो ये करता, इसका ये करता है, जो कहीं इस जगह बैठता है, जो इस टॉपिक को बोलता है, उसको बोलते हैं प्रवचन करता है। लेकिन बेसिकली वो एक इंसान होता है, वो कोई पौधा या जानवर तो नहीं हो सकता है। तो इसी तरह बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है, बेसिकली एक रिकॉर्ड है। किस चीज का रिकॉर्ड? एक तो पैसा आने और पैसा जाने का रिकॉर्ड, और क्यों आया, कहां से आया, किस से संबंधित है, और कहां गया, क्यों गया, उससे रिलेटेड जो भी मैटर है। तो पैसा आने और जाने का रिकॉर्ड, इसको बोलेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन केवल यही रिकॉर्ड नहीं, इसमें एक तो ये हुआ आने जाने का रिकॉर्ड, और दूसरा ऑल सेल्स एंड परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द कंपनी, खरीद बिक्री का भी रिकॉर्ड, किस चीज की खरीद और किस चीज की बिक्री, हाँ कंपनी के लिए ही, गुड्स और सर्विसेज की खरीदना और गुड्स और सर्विसेज की बिक्री का रिकॉर्ड। तो अब दो रिकॉर्ड का दो बात पता चला, रिकॉर्ड ही सब कुछ है, लेकिन पहले वाले में किस चीज का रिकॉर्ड था, पैसा आने और पैसा जाने उसका रिकॉर्ड। बुक्स ऑफ अकाउंट में बेसिकली रिकॉर्ड है। व्हाट इज बुक्स ऑफ अकाउंट? इट इज रिकॉर्ड। इतना तक भी कोई बोले खुद आगे का खुद ही बोलना शुरू हो जाएगा वो, लेकिन आपको रिकॉर्ड वर्ड जरूर बोलना है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट? रिकॉर्ड ऑफ नंबर वन ऑल मनी इज रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड एंड द मैटर्स फॉर विच दे वर रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड। यही तो, कि जो भी पैसा आया, जो भी गया, क्यों आया, क्यों गया, उसका रिकॉर्ड। दूसरी बात सेल परचेज का रिकॉर्ड। सेल परचेज किस चीज का आप करेंगे? जो भी आपका गुड्स है या सर्विस है वही तो बेचेंगे या वही खरीदेंगे। तो सेल परचेज अलग है, आना जाना अलग, इसे तो दोनों अलग अलग लिखा हुआ है। और तीसरा है रिकॉर्ड एसेट लायबिलिटी का रिकॉर्ड। आपकी क्या संपत्ति है, किस चीज पर आपका अधिकार है, मतलब एसेट तो वही बोलते हैं जिसपे आपका अधिकार होता है, और जो आपकी दायित्व तो, जो लायबिलिटी उसका रिकॉर्ड। तो अब ये बड़ा प्रैक्टिकल बात लग भी रहा है कि हम लोग भी तो अपने लाइफ में यही सोचते हैं। तो हम लोग अपना अकाउंट अगर बनाने चाहे तो हम लोग को रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। एक रिकॉर्ड रखेंगे पैसा आने जाने का, एक रिकॉर्ड रखेंगे कि जो हमने सेल किया या सर्विस दिए किसी को या किसी से लिए या खरीदे उसका रिकॉर्ड रखेंगे, और तीसरा ये भी रिकॉर्ड रखेंगे हमारे पास क्या एसेट है, मतलब क्या क्या हमारे लेन जिस पर अधिकार हमारा है, क्या क्या हमारी लायबिलिटीज हैं। तो कबूतर भी सुन रहा है जी, जी वो तो घुस गया, दरवाजा खुला था लगता है।
देखिए इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि ये लोग भी आकर मतलब हम लोगों की ट्रेनिंग का हिस्सा बने हुए हैं। कितना ये पहले तानसेन बजाते थे तो सुने कि हिरन वरन आकर सुनते थे, और हम लोग जब लेते तो कबूतर भी आकर लेते हैं प्रशिक्षण। तो ये तीन चीज का रिकॉर्ड हो गया। फिर चौथा एक और रिकॉर्ड है, द आइटम्स ऑफ कॉस्ट एज मेरी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 148। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, इन द केस ऑफ कंपनी विच बिलोंग्स टू एनी क्लास ऑफ कंपनीज स्पेसिफाइड अंडर दैट सेक्शन। तो आइटम्स ऑफ कॉस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 148। तो एक सेक्शन 148 है कंपनीज एक्ट का, वो कुछ कुछ कंपनियों पर एप्लीकेबल है, सब पर नहीं है। तो उन कंपनियों पर जिनके लिए वो एप्लीकेबल है तो उनके लिए जो कॉस्ट के आइटम का भी रिकॉर्ड उनको रखना होता है, सबके लिए नहीं रखना होता। आमतौर पर तीन होते हैं लेकिन चौथा भी है, कुछ कुछ पर एप्लीकेबल है, आइटम्स ऑफ कॉस्ट। वो किसके लिए एप्लीकेबल है, जो सेक्शन 148 में जो कंपनियां प्रिस्क्राइब की गई, जैसे बड़ी बड़ी दवाई की कंपनियां, स्टील, ऐसे जो मैन्युफैक्चरिंग में खासकर लगे हुए हैं ना बड़े लेवल की, उनके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको कॉस्ट के आइटम का भी रिकॉर्ड रखना है कि आपका किस चीज पर कितना कॉस्ट हो रहा है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट इसका जो डेफिनेशन है ये सेक्शन 2 के क्लॉज 13 में है, ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 13 इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट का है। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज बुक्स ऑफ अकाउंट, रिकॉर्ड। हाँ, कम से कम इतना तो बोल ही सकते हैं, इट इज रिकॉर्ड। अब किस चीज का रिकॉर्ड, तो पहला रिकॉर्ड पैसा आने का और पैसा जाने का रिकॉर्ड, दूसरा किस चीज का रिकॉर्ड, सेल परचेज का। पैसा आने जाने एक अलग चीज है, आपने हो सकता है कि आपने सर्विस दे दिया 5 लाख का, पैसा आया 1.5 लाख, तो लेकिन दोनों का रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। या नहीं भी आए आपने सामान किया वो गया भाग्य लेकर, तो लेकिन जो आया उसका रखना पड़ेगा, सेल परचेज का रखना पड़ेगा, और तीसरा एसेट लायबिलिटी का भी रखना पड़ेगा कि भाई आपके क्या क्या एसेट है आपके पास, क्या क्या लायबिलिटी है आपके ऊपर, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, आपको कुछ पता ही नहीं चल, रिकॉर्ड ही नहीं रखे और सोच बड़ी खुश हो गए हैं कि मेरे तो 5 लाख आ गया, ये नहीं देखें कि आपके ऊपर लायबिलिटी भी 15 लाख की पड़ी हुई है उसका, तो फिर आप खुश नहीं होगा, बोले अरे ये 5 लाख का कोई लायबिलिटी भी अभी है। इसलिए आपको तीन तो रखना ही पड़ेगा, और चौथा जो है आइटम्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के आइटम्स का रिकॉर्ड भी रखना है। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए जो सेक्शन 148 में जो कंपनी आती है जिनके ऊपर, तभी एप्लीकेबल है। तो इसलिए अब आपसे कोई पूछे, आप जब इंटरव्यू देने जाएं और अकाउंटेंट के काम के लिए कोई आपसे पूछे कि बताओ बुक्स ऑफ अकाउंट जानते हो, तो अब क्या बोल ही सकते हैं, बोल सकते हैं ना जानते हैं, नहीं बोल सकते मौसमी। तो किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, हाँ अब तो अब कर, अब देखो अब आपके चेहरे का कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है क्योंकि अब जान गए ना हम लोग, जानना ही तो कुंजी है, कि जानने के बाद हम लोग कंफर्टेबल भी हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं और कैपेबल तो हो ही जाते हैं। तो इसलिए जानना ही, सही जानना, बस सही तरीके से एक भी चीज आप जान जाएंगे ना, छोटी और बात छोटी और बड़ी वो बात का बराबर महत्व होता है। अब जान गए तो इस टॉपिक पर कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। अब बताओ बुक्स ऑफ अकाउंट, आपने सेक्शन बड़ा सही बोला, कोई सुनेगा तो आपको फिर किसी चीज का संकोच ही नहीं, आप बोलेंगे सत्य है, सही बोले हैं ना, तो घबराने की बात है कि कहीं गलत तुम्हें तो ये क्या सोचेगा, कुछ बोलेगा एकदम सही है, ये गलत भी हो सकता है, मैं तो सही हो सकता है उसके कंफ्यूजन में 212 वाला याद हो उसको, लेकिन बाद में खुद देखेगा बोलेगा नहीं यार आपकी और इज्जत बढ़ी, ये तो वो सही थी। अब क्या क्या आता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो उसके ऊपर भी बोल सकते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट इज ए रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऑफ ऑल मनीज रिसीव्ड एंड ऑल मनीज एक्सपेंडेड एंड द मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू या मैटर्स रिलेटेड देयर टू।
और दूसरा रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और तीसरा रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और चौथा रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ कॉस्ट एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 148, बट इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज कंपनीज विच हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये आइटम्स ऑफ कॉस्ट एज मेंशन अंडर या प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 148 इन केस ऑफ ए कंपनी विच बिलोंग्स टू एनी क्लास ऑफ कंपनीज स्पेसिफाइड. ये सबके लिए नहीं है, जो स्पेसिफिक कंपनियों के लिए ही है ये कॉस्ट के आइटम्स का रिकॉर्ड रखना, बाकी जो और जो है उनके लिए तीन ही रिकॉर्ड काफी. ठीक है, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब है क्लॉज 13 में, सेक्शन 2 के क्लॉज 13 में. तो ठीक है, तो अब ये बेसिक जो चीजें है ना, इसको बार बार और क्लियर होना चाहिए. हर एक्ट में इस तरह से डेफिनेशन दिए हुए हैं और उन डेफिनेशन को जानना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग उसका आगे की बात समझ पाएंगे. ठीक है, तो अब रहने देते हैं, आज इतने काफी हो गए.